हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नाम सुप्रभात, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। और दोस्तों आज मॉर्निंग की शुरुआत दरवाजा खोलने से हो रही है और इसका सीधा सा मतलब है तुम्हारा भाई शुरुआत करते ही आज कहीं जा रहा है। आज ब्लॉग की शुरुआत करते करते कहीं जा रहा हूँ। आज मैं जा रहा हूँ हमारी मट्ठा वाली जो आंटी हैं उनके घर में। ओ हो भाई ये बाहर आ गया। मम्मी बोल जी अंदर चल ना। दोबारा दरवाजा खोलना पड़ेगा क्योंकि बैल जी आ गया था बाहर तो बंद कर दिया। मम्मी ने रोक रखा। अब ये बहुत तीतर हो रहा, तो चलो चलते हैं आंटी के घर में। वहाँ आज थोड़ा एकादशी का प्रोग्राम है, मिलवाते हैं आपको आंटी लोगों से। तो आज हम आंटी के वहाँ रखे, आंटी के वहाँ एकादशी का प्रोग्राम चल रहा है तो सारे लोग बैठ गए। अभी कसी जा रही है ढोलक, फिर ढोलक में बजेंगे गीत। पहले तिलक लगाना जरूर होता है बल ढोलक को। अच्छा, तो जब भी कोई शुभ काम होता है, गीत वीत गाए जाते हैं, तो सबसे पहले ढोलक का सम्मान करा जाता है, उसके बाद बाकी चीजें होती हैं। तो ऐसा है। तो भाई साहब अब यहाँ कीर्तन वीर्तन कर लिया आंटी ताई लोगों के सबके, अब चली लस्सी वाली पार्टी है। लस्सी पार्टी है, गले को तरावट देंगे बल, फिर गाएंगे बल आगे की, तब आगे भजन गाए जाएंगे। गिरीश लगा ले बल, खुदरा हो गया ना, गिरीश हो जाएगा। मट्ठा वाली आंटी करके रख रखा मैंने आंटी का। तो भैया प्रसाद बट रहा है, आज एकादशी का है तो आज सब फलाहार होता है, सबका व्रत है। ताई जी कह रही मैंने अभी तक खाना नहीं खाया तो व्रत ही समझ लो। भलाई जाला व्रत तो फिर आधा दिन का तो मेरा भी हो गया, लेकिन हम शुरू नहीं करेंगे ना अभी। हाँ हाँ, ना हम नहीं ले सकते वार्षिक, नया व्रत नहीं शुरू कर। अभी क्यों है वार्षिक का चल रहा ना, नया व्रत नहीं शुरू चलने लगे। फूल कितने बड़े हो गए, छोटे से डाले थे ना मैंने, बड़े हो गए। दक्षिण भारतीय लोग मेंदू वड़ा करी क्या बनाते हो? मुझे नहीं पता। मांस की दाल का बनाते हो, अच्छा होता है, जैसे बड़े जैसे होते हैं उस तरीके से बनाते हो, वो भी अच्छा लगता है, कभी ट्राई करना। कल मैंने वो देखी केरल का अचार देखा, वो पके आम का ही बना, मतलब हल्के पके आम का ही बना सकते हैं, बड़ा इजी भी अचार है, एक दिन में बन जाता है और 4 साल तक चलता है, पता है तुझे। मसाले भी उतने नहीं डालने हैं। क्या कर लेता? डाल लेता क्या, मैं बता रहा हूँ तुझे। इससे किसी ने पूछा था ना आम की अचार की रेसिपी, तो कुछ नए तरीके का अचार हो जाता। पहले मैं खुद तो बनाना डालू तभी तो बताऊंगी दूसरों को। हाँ तो वही वीडियो वही बन जाती ना फिर। बन गई चलने लगे। ये तो मीडियम आंच पे पकते हैं फिर। कभी भी ये जो चीजें होती है ना हमेशा मीडियम आंच पे बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे सिकती है, अंदर तक पकनी होती है ना। तूने तेज आंच कर दी तो बाहर के तो जलेंगे। हे क्यूटी तुम रसोई में क्या कर रहे हो? हे क्यूची ये देखो, ये बदतमीज लड़का रसोई में सो रखा हो। आज हम जा रहे हैं थोड़ा पहाड़ की सैर करने, बहुत टाइम हो गया तो सीधे चलते हैं। ओ नंतिन भल हरी, तुम्हारे का सारी हाल चाल? अच्छा गरम का तो करा है तुम 200। अच्छा वहाँ ठंड पान होना वहाँ पीवे रोनो मेले गो सूख गो मेर यार तरावट है जल। तो भाई साहब अब हम चल दिए, अब हमने एंटर कर लिया नैनीताल रोड के लिए। धन्यवाद, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो लो जी दोस्तों एक बार फिर से चल दिए हम पहाड़ों की सैर करने। सैर क्या करने जा रहे भाई साहब, थोड़ा सा नीरज भाई को काम है तो इसलिए जा रहे हैं। लेकिन भाई साहब जो यहाँ का मौसम होने वाला है ना वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। अभी तो काफ़ी गर्मी हो रही है लेकिन जैसे ही हम ये पहाड़ पार करेंगे ना आए हाय, उसके बाद तो भाई साहब मैं बता नहीं सकता, वो सिर्फ फील करा जा सकता है। और अभी थोड़ी थोड़ी ठंडक आने लग गई है क्योंकि हम काफ़ी आगे आ गए। अभी हम घटगढ़ से आगे आ गए। घटगढ़ एक छोटा सा टाउन पड़ता है नैनीताल जाते समय, हमारे कालाडुंगी के बाद सबसे पहला टाउन घटगढ़ पड़ता है। और लो भाई जी अब हम पहुंच गए नलनी। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ नल नहीं है, सिर्फ इसका नाम नलनी है। इसके नीचे एक गांव है, वो गांव बहुत खूबसूरत है, लेकिन फिलहाल हम उस गांव में नहीं जा रहे, हम कहीं और जा रहे हैं। और भाई साहब थोड़ा टेम्पो बढ़ा दिया और भागे भाई साहब। अब ठंडी ठंडी हवाएँ लगने लगती। इससे पहले नीचे क्या हो रहा था, नीचे गर्म गर्म हवा आ रही थी, लेकिन अब काफ़ी ऊपर पहाड़ में आ चुके हैं, चीड़ के जंगल शुरू हो गए। और दोस्तों जहाँ चीड़ का जंगल लग गया मतलब वहाँ ठंडा तो होना ही है। तो भाई साहब अब हम पहुँच गए मंगोली, शायद ये मंगोली था, मेरे ध्यान से निकल गया। हाँ तो भाई ये मंगोली ही था। और भाई साहब यहाँ के क्या व्यू थे यार, मेरा थोड़ा कैमरा उतना अच्छा नहीं है, मोबाइल है तो इसलिए मैं ढंग से वीडियो बना नहीं पाया, वरना इतना खूबसूरत लगता ना आपको, घर बैठे आपको नैनीताल के देखने का, नैनीताल के नज़ारे लेने का लुत्फ़ मिलता। पहाड़ों में एक बात है, एक तरफ खाई होती है और एक तरफ खड़ी चट्टानें।
और खाई की तरफ देखो तो भाई साहब ऐसा लगता है ना अब गिरे और तब गिरे, और पर्वत और चट्टान की तरफ देखो भाई साहब ऐसा लगता है तो कुछ है ही नहीं, मतलब हम तो बड़ी सेफ जगह में हैं इसके बीच में। तो भाई कुछ कुछ ऐसी फीलिंग आती है। और ये देखो एकदम खड़ी चट्टान, ओ भाई साहब, मतलब अभी तो कैमरे में तो आपको लग नहीं रही होगी इतनी बड़ी क्योंकि मैंने अल्ट्रा वाइड एंगल यूज़ करा है, लेकिन अगर आप लोग वहाँ होते तो आपको पता चलता। और भाई यहाँ बैठने का कितना बढ़िया है, देख रहे हो चीड़ के जंगल में बैठने का अपना अलग ही मज़ा है यार, भाई साहब मज़ा ही आ जाता है यहाँ बैठ के ना जंगल में चीड़ की छाँव में। वैसे छाँव की ज़रूरत भी नहीं है, पहाड़ों की तो धूप भी गुनगुनी होती है तो आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं उस धूप में। तो भाई साहब अब हम लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और ये जंगल भाई साहब बाहें फैलाकर हमारा स्वागत कर रहा है। Three hours later. तो दोस्तों जानते हो क्या हुआ, मैं वहाँ जादू को शूट नहीं कर पाया। जादू कुछ क्या तुम्हारा भाई कुछ भी शूट नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि नीरज भाई का काम था, और मतलब हर जगह कैमरा उठाया नहीं जाता ना। अब बाकी व्लॉगरों की तरह होता तो मैं हर जगह कैमरा उठा लेता, लेकिन थोड़ी मर्यादाएँ रहती हैं तो इस वजह से मैं हर जगह कैमरा उठा के नहीं घूमता हूँ। तो भाई साहब कुछ ऐसा रहा हमारा आज का एक छोटा सा लेकिन सुहाना सा सफ़र, और आगे सफ़र में क्या क्या होने वाला है भाई कुछ भी नहीं होने वाला। अब हम लोग जा रहे हैं सीधे घर को वापस, और भाई साहब अभी सूर्य भगवान अस्तांचलगामी होने वाले हैं। अस्तांचलगामी बोलते हैं कुछ ऐसा ही बोलते हैं, मतलब सूर्य भगवान अब अस्त होने वाले थे। तो हम लोगों ने कहा सही सही टाइम पर नीचे लौट लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमको देर होती तो यहाँ भाई साहब हाथी शेर, हाथी ज़्यादा बोल दिया मैंने, लेकिन शेर भालू और बहुत सारे जानवर यहाँ दिख जाते हैं आपको। तो अब सीधे चलते हैं हम अपने घर में दोस्तों, मिलते हैं घर में जाकर। ओ मेरे चुटी भाई, अल्ले मेरा बच्चा आ गया हो, अभी मैं घर पहुँचा, मेरे चुटी भाई मेरा इंतजार कर रहा था। हे सीटी चिटी पाई, चिटी पाई, चिटी पाई, चिटी पाई, कैसा है हमारा बच्चा चिटी पाई, कैसा है हमारा बच्चा चिटी पाई, चिटी पाई, चिटी पाई, छोटा बच्चा चिटी पाई, चिटी पाई। क्या हो गया, क्या करती है बेलजी, तूने जाने क्यों नहीं दे रहा प्रिया को? चल नमस्कार, कैसी हो रही बीना? बीना को डरा दिया इसने, अरे भाई साहब, हाँ हाँ ऐसा कर रहा है, बताओ बीना को घर से बाहर भगा दिया बेलजी तूने, दुश्मनी का ही की निभा रहा तू? तो प्रिया लोग सामान लेकर आ रखे अभी बाजार, तो बिस्किट वगैरह खिला नहीं सकती। हाँ। ताकि तो ऐसा पड़े ना आगे मुझे। बेल जी तुम यहीं रहोगे क्योंकि तुम बिस्किट नहीं खाते हो, बंद कर दो, जाओ तुम जल्दी जाओ। तू क्यों परेशान करते है बेल जी, कोई भी आता है तो जल्दी जाओ भैया, जल्दी जाओ। चलो मैं तो दूध लेने गया था, मेरी हालत खराब हो गई, थक गया मैं। ओ क्यूटी आप क्या कर रहे हो यार, मम्मी लोग सूट लेकर आ रखे आज फिर अपने लिए, मम्मी सूट लेकर आ रखी। और दोस्त अभी जानते हो टाइम कितना हो रहा, 9:45, 9:45 का टाइम हो गया भाई। दूध को डालो भाई फ्रिज में, रसना पिया जाए यार थोड़ी। तो कितने बजे आई मैं, आई क्यों फिर 9:45 भी आई तो? अरे भैया टाइम का पता ही नहीं लगता, आंटी जी के साथ पता ही नहीं लगता कितने बजे। मैं आंटी जी तो कह थी मेरी सब्जी आज को लौकी की, कुछ खट्टा मीठा पिया जाए। दोस्त जानते हो ये प्रिया लेकर आई थी रसना, ये इंस्टेंट वाला रसना है, इस पे चीनी भी नहीं डालने की जरूरत नहीं होती, खाली पानी डालो और बन जाता है। ऐसे तुम्हारे लिए नहीं है, हटो तो यहाँ से, इसको आप रख देते हैं फ्रिज में क्योंकि खुल गया है, तो आप फ्रिज में ही सही है, बाहर रखेंगे तो चीटी लग जाएगी, ये कारण है। और हमको चाहिए चिल्ड पानी की बोतल, ये मस्त हो रही है, इसमें डाला पानी और उसके बाद आया है, फिर तो मज़ा ही जाएगा रसना पीने का। ये पता आम जैसा दिख रहा है, मस्त कलर आ रहा दवाई जैसा। अब तुम्हारे भाई के मस्त वाले रसना के साथ है नमकीन, मज़ा आने वाला है, तो आप भी आ सकते हैं रसना पीने और ये खाने। ये देखो ये अलग आ गया, तुम गंदे हो बैल जी, तुम गंदे बच्चे हो, क्यों आए यहाँ, क्या काम है तुम्हारा यहाँ?